गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हिंदी साहित्य में बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आपको दो उपन्यास और सात कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें कि क्रमशः जो दो उपन्यास हैं आपके वो इस प्रकार है, चित्रलेखा जिसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, और जो दूसरा उपन्यास है वो है राग दरबारी जिसके उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ल जी। इसके बाद आती है सात कहानियां। सात कहानियों के अंतर्गत वो कहानियां है, नंबर एक चित्रलेखा, नंबर दो राग दरबारी, नंबर तीन कफन, नंबर चार गुंडा, नंबर पाँच यही सच है, नंबर छह चीत की दावत, नंबर सात मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, नंबर आठ राजा निर्बंसिया, और नंबर नौ 25 चौका 150। तो इसमें जो प्रारंभ में मैंने जो दो नाम लिए वो आपके दो उपन्यास के नाम है, और बाद में जो सात नाम आते हैं वो है सात कहानियों के नाम। तो बच्चों, ये जो उपन्यास और कहानी है ये हमारी मुख्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आती है, और गद्य विधाएं आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग आया तो भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य विधाओं का सूत्रपात हुआ था। ये गद्य विधाएं है क्या चीज और इन्हें विधा क्यों कहा जाता है, विधा क्या है, ये हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि विधा उसे कहते हैं जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। तो जो ये जो व्यक्त करने के जो माध्यम है उन्हीं माध्यमों को हम विधा कहते हैं। ये माध्यम निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि आदि। तो जिसके अंदर जो प्रतिभा विद्यमान होती है वो उसी प्रतिभा को वो अपनी लेखनी द्वारा साहित्य को समर्पित कर देता है। तो चित्रलेखा और राग दरबारी ये जो दो उपन्यास है इनके उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा और श्रीलाल शुक्ल जी ने इसको उपन्यास का रूप दिया, अपने विचार अभिव्यक्त किए उपन्यास के माध्यम से। और बाकी जो सात कहानियां हैं उसमें कहानी का आधार लेकर के कहानीकारों ने अपने कहानी के द्वारा समाज में व्याप्त समस्याओं, बुराइयों आदि को दूर करने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं उपन्यास के क्षेत्र में। उपन्यास का प्रादुर्भाव कब हुआ, कब ये क्या कहते हैं पहला उपन्यास कब लिखा गया, इन सब की संक्षेप में जानकारी होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे उपन्यास कहाँ से आए, सबसे पहला उपन्यास किसने लिखा, तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो बच्चों, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी उपन्यास हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी उपन्यास का जो स्थान है वो आधुनिक काल में विकसित जितनी भी गद्य विधाएं हैं उन गद्य विधाओं में से उपन्यास का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से ही हुआ है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इस संबंध में निम्न नामों का उल्लेख किया जाता है। नंबर एक परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो लेखक है लाला श्री निवास दास, इसको भी पहला उपन्यास माना जाता है। फिर देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त, इसको भी पहली कहानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात आ जाता है निसहाय हिंदू जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके लेखक राधा कृष्ण दास जी है। फिर नंबर चार पे आता है भाग्यवती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870, और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रद्धा राम फुलौरी। तो इन चार उपन्यासों में ये भ्रम रहा है कि पहला उपन्यास कौन सा माना जाए। अंत में जो प्रथम उपन्यास का जिसको स्थान मिला वो है परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित है। और इसी क्रम में यदि कालक्रम की दृष्टि से विचार करें तो भाग्यवती 1870 ईस्वी अर्थात हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है,
किंतु इसमें औपन्यासिक तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। जबकि परीक्षा गुरु 1882 में हुआ था, लेकिन इसमें औपन्यासिक तत्व है। इस कारण परीक्षा गुरु को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि स्वयं लाला श्रीनिवास दास अपनी रचना परीक्षा गुरु को उपन्यास नहीं मानते। हिंदी उपन्यास के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। यदि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासों में केंद्र बिंदु मान लें तो ये 3 चरण निम्नवत हैं। पहला चरण आता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा चरण आता है प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और तीसरा चरण आता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इन 3 चरणों के आधार पर हिंदी उपन्यास साहित्य का बड़ा ही विस्तृत विवेचन किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में इतना विस्तृत विवेचन नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में इसको समझेंगे। तो संक्षेप में जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाओं, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य के प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। ठीक है, यानी उपन्यास का जो क्षेत्र होता है वो कहानी और नाटक एकांकी की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। इसके पात्र अधिक होते हैं, संवाद अधिक होता है, देश काल वातावरण कई प्रकार से देखा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी उपन्यास का आरंभ 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ। आधुनिक कालीन भारतीय साहित्य में उपन्यासों का विकास अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में हुआ, जिसमें उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को है। श्रद्धाराम पुल्लौरी कृत भाग्यवती रचनाकाल की दृष्टि से अन्य उपन्यासों से पहले है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, किंतु सभी कृतियों में परीक्षा गुरु ही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें औपन्यासिक तत्वों का सुगठित रूप से प्रयोग किया गया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जो कि सन 1882 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। सन 1882 से लगभग 1916 तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग से जाना जाता है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार व उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित तारा सुल्तान, सोना और सुगंध, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी, गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित नए बापू चतुर चंचल आदि। प्रेमचंद युग उपन्यास के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस युग में उपन्यास लेखन सामाजिक यथार्थवाद एवं सामाजिक आदर्शवाद पर आधारित है। प्रेमचंद युग में मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन तथा जयशंकर प्रसाद जी ने तितली, कंकाल, इरावती, जो कि अपूर्ण है, जैसे प्रभाव युक्त उपन्यास हिंदी को दिए। इसके अतिरिक्त इस काल के मुख्य उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा तथा वृंदावन लाल वर्मा आदि हैं। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसित नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध विधाएं या धाराएं अनेक दिशाओं में प्रवाहित हुई हैं, जैसे मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी अथवा प्रगतिवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक, प्रयोगवादी उपन्यास आदि। इस युग के मुख्य उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार है: इलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी, अज्ञेयकृत, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, जैनेन्द्र द्वारा रचित परख, सुनीता, त्याग पत्र। इसके अतिरिक्त अमृतलाल नागर, रांगे राघव, यशपाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, रामदरस मिश्र, हणेश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन तथा उषा प्रियंवदा आदि प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो बच्चों, ये थी उपन्यास के बारे में संक्षिप्त उसका विकास क्रम की जानकारी। अब अगले क्लास में मैं आपको इसका पहला उपन्यास चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बताऊंगी, जो कि
भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।